Yes, good morning students, join fast, hurry up. जल्दी से ज्वाइन करो सारे के सारे बच्चे. ओके, साक्षी सबसे पहले आ गई. लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल बेटा हमारा चल रहा था, ये 4.1 हो गई थी, 4.2 करा दी मैंने, ठीक है. 4.2 के सारे क्वेश्चन हो गए थे और ये सारे फेयर कर लेंगे आप लोग. 4.3 में जो है वो 5 क्वेश्चन है और ये 9th वालों का तो रिवीजन चल चुके हैं. बी वालों के लिए स्पेशली ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा है तो बी वालों को अटेंड करना बहुत जरूरी है. 4.3 में जितने भी क्वेश्चन है मोस्टली वो हमारे प्लॉट करने के ऊपर है, प्लॉटिंग के ऊपर. और ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ प्लॉट करने के लिए, लेकिन बी वाले बच्चों को, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि हाउ टू प्लॉट. तो बेटा प्लॉट करने के का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर एक्सरसाइज 4.3 की बात मैं कर रहा हूँ, पेज नंबर 74 है ये एक्सरसाइज 4.3, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5. ये जितने भी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 5 में जितने भी पार्ट है इनको क्या करना है, प्लॉट करना है, ठीक है. और बाकी के क्वेश्चन मैं अभी बाद में देखूंगा, तो पहले मैं इन दो क्वेश्चन की बात कर लूं. कुछ इक्वेशन मैंने आपको अपनी तरफ से भी दी थी, प्लॉट सिखाया था, लेकिन कहीं ना कहीं बी वालों को प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी. तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.3 जो एनसीईआरटी की है उसके क्वेश्चन को फिर से प्लॉट करना है जिन बच्चों को समझ में. और मैंने आपको कहा था मुझे ये एक्सक्यूज मत बोलो कि ग्राफ बुक नहीं है, 10 ग्राफ बुक खरीद कर रख लो एडवांस में, क्योंकि अभी आपका ये 9th क्लास है, आपको अभी 10th में पढ़ना है, 11th में पढ़ना है, 12th में पढ़ना है, अभी 3 साल और पढ़ना है इसी स्कूल में, तो ग्राफ बुक की जरूरत पड़ेगी. तो 10 ग्राफ बुक खरीद लो बाय डिफॉल्ट, समझ गए. नहीं 10 तो चाहिए, 15 खरीद लो, 20 खरीद लो. घर में साबुन भी इकट्ठे खरीदते हो, भी खरीदते हो, या एक एक साबुन आता है नहाने के लिए. तो जैसे घर में और सामान की चीजें इकट्ठी खरीदते हैं ऐसे ग्राफ बुक भी खरीद के रख लो, ऑनलाइन मंगा लो अगर बाहर नहीं जा सकते, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन. लेकिन मुझे ये मत बोलो कि सर ये हमारे पास नहीं है, ये मैं नहीं सुनना चाहता, ये आउटडेटेड एक्सक्यूज हो गए. और कोई भी जो बच्चे लाइव देख रहे हैं कोई भी इतना गरीब नहीं है कि 10 ग्राफ बुक नहीं खरीद सकता हो, ठीक है ना. तो मुझे अगर ये बोलोगे कि ग्राफ बुक नहीं है तो मैं बोलूंगा कि मेरे ग्रुप से बाहर हो जाओ फिर सीधे, ठीक है. 10 नहीं है 20 खरीद लो फौरन, क्योंकि ये दिस इज नॉट योर लास्ट क्लास ऑफ योर लाइफ, आगे अभी और बहुत सारे क्लासेस में आपको ग्राफ की जरूरत पड़ेगी और ये एक्सपायर होने वाली भी चीजें नहीं है, खराब भी नहीं होंगी, ठीक है. तो 20 खरीद लो, 10 भी नहीं 20 ग्राफ बुक, बढ़िया क्वालिटी की, गुड क्वालिटी की, बढ़िया वाली, ठीक है ना. बिकॉज वी नीड मोर ग्राफ पेपर्स, और अगले साल भी ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, फिर नेक्स्ट ईयर पड़ेगी, पड़ती ही रहेगी जब तक आप मैथ पढ़ते रहोगे, ठीक है. तो ग्राफ में क्या करेंगे, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे हमने एक इक्वेशन दी आपको, ये मैंने इक्वेशन लिखी, आप कोई भी इक्वेशन ले लो, एनी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 है, जिसकी डिग्री 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन है, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका. तो ये कहलाएगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ये कुछ लाइट आ रही है यहाँ पर, मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ x plus 2y is equal to 6, दोबारा लिख दिया मैं, ठीक है. x plus 2y is equal to 6, आपको एक टेबल बनानी है, क्योंकि ग्राफ की जो राइट साइड है उसमें लाइनें होती हैं, उन लाइनों पर आपको कैलकुलेशन दिखानी है और 3 वे फाइंड करनी है. अगर हमें खाली इसके 3 सॉल्यूशन निकालने होते तब तो हम कोई से भी सॉल्यूशन निकाल लेंगे, लेकिन जब बात प्लॉट करने की आ रही है, प्लॉट करने के लिए हमें अच्छे वाले पॉइंट चाहिए. और अच्छे पॉइंट का मतलब क्या होता है कि एक्स और वाई की वैल्यू आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मिलती जुलती होनी चाहिए. अगर एक एक्स की वैल्यू 50 आ रही है तो वाई की 60 आनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक्स की वैल्यू तो आ गई 1 और वाई की वैल्यू आ रही है 90, डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा तो प्लॉट करने में प्रॉब्लम आएगी. तो वैल्यू का जब आप सिलेक्शन करेंगे तो वैल्यू ऐसी लेनी है कि ये एक्स और वाई आपस में मिलती जुलती हो,
सो इट विल बी इजी टू प्लॉट, और ऐसी वैल्यू हो जो फ्रैक्शन में ना हो, क्योंकि फ्रैक्शन में अगर मान लो आपका आ गया 3/7, 11/7, वो प्लॉट करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ऐसी तीन वैल्यू छांट के निकालनी है जो अच्छी हैं, और वो प्रैक्टिस से आएगा। जितना आप उसे कैलकुलेट कर करके देखोगे, आप हो सकता है 5-6 बार करो, 7 बार करो, 10 बार करो, तब जाके आपको 3 वैल्यू आएंगी अच्छी वाली। तो मुझे जो मेरे साथ जो शेयर करनी है वो 3 अच्छी वैल्यू शेयर करनी है, बाकी वो सब रफ वर्क में गया, ठीक है। तो 3 वैल्यू जब निकालेंगे और उनको प्लॉट करेंगे, एक टेबल बनाएंगे ऐसा करके, इसके अंदर लिखेंगे एक्स और वाई की वैल्यू, और आप ये आप डिसाइड करेंगे कि आप एक्स की वैल्यू क्या लेंगे, लेकिन एक्स की वैल्यू ऐसी लो कि जो वाई की वैल्यू भी उसके नियर अबाउट हो। अगर मैंने यहाँ एक्स की वैल्यू 5 ली तो वाई की वैल्यू 16 ही आनी चाहिए, कुछ आसपास वाली आनी चाहिए, इस हिसाब से लेना है, और फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, माइनस में आ जाए, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट निकालेंगे। अब पॉइंट निकालने के बाद बच्चों को प्लॉट करने में प्रॉब्लम आ रही थी, तो एक बार मैं जरा पॉइंट लिख लेता हूँ पहले आपकी हेल्प से। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर x की वैल्यू लिख दी 0, x की वैल्यू लिखी 0, तो जल्दी से मुझे y की वैल्यू बताओ बेटा जरा, कितनी आ रही है y की वैल्यू, y की वैल्यू टाइप करो। x मैंने 0 लिख दिया, y की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। x यहाँ पर 0 रखो, यहाँ x की वैल्यू 0 रखो, सॉल्व करो तो y की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई 3, बिल्कुल सही है, 3 आ गई, राइट। अब x की वैल्यू मैंने रखी 2, x की वैल्यू मैंने कितनी रखी 2, y की वैल्यू बताओ जरा कितनी आएगी। I am putting x is equal to 2. Y की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू मैंने ली 2, y की वैल्यू बताओ, तो y की वैल्यू कितनी आएगी जल्दी से एवरीवन। यहां पर x की वैल्यू 2 रखो तो y की वैल्यू भी 2 आ जाएगी, गुड। तो मतलब ये जो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ ये भी मैं सोच सोच के लिख रहा हूँ, आपको ऐसी वैल्यू रखनी है जो अच्छी अच्छी वैल्यू आए, ठीक है ना। अब एक एक्स की वैल्यू बताओ मुझे, कोई यहाँ पर क्या लिखूं मैं, आप अपनी तरफ से बताओ, एक लिखो बताओ तो मुझे एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू बताओ मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए, व्हाट शुड आई राइट हियर, एक्स की वैल्यू सजेस्ट करो, एक्स की वैल्यू, एक बच्चे ने कहा 5, एक ने कहा 4, एवरीवन, ये 2 बेटा हो चुका है, 2 नहीं रखेंगे अब, 0 भी रख चुके हैं, 4 रख सकते हैं, 4, x की वैल्यू 4 रखो, x की वैल्यू 4 थी, 4 रखने से कितना आ रहा है, x की वैल्यू 4 रख दी, 5 सही सॉल्यूशन नहीं देगा, 5 से लगा हो जाएगी, 4 अच्छी वैल्यू है, 5 अच्छी वैल्यू नहीं है, फोर रखने से वाई की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। जब एक्स की वैल्यू 4 रखेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। एक्स की वैल्यू जब 4 रखी तो वाई की वैल्यू 1 हो गई, तो ये हमारे पास हिंट्स आ गए, राइट। इसको हम लिखेंगे 0.3, 2.2 और ये हो गया 4.1, ये आ गए, ठीक है। अब आपको ये दिखाई दे रहा है कि ये सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर मैं इसे रब कर दूं, x plus 2y is equal to 6 इधर लिख दूंगा साइड में, x plus 2y is equal to 6 ये लिख दिया। देखिए ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x डैश है और ये y डैश है, और ये जो है ये वो है ओरिजिन है, ये ओरिजिन ओरिजिन है, तो ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कहलाएगा सेकंड क्वाड्रेंट,
क्वाड्रेंट सबके आगे लगा देना ये क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट्स होते हैं वो दोनों पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये याद रखना है। यहां पर होंगे निगेटिव और निगेटिव, और यहां होंगे निगेटिव और पॉजिटिव, और यहां पर इसका उल्टा हो जाएगा पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। ये है, ये इसकी साइन कन्वेंशन है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर सारे पॉजिटिव हैं, ऑल थ्री पॉइंट्स आर पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है कि दीज थ्री पॉइंट्स विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। किसके अंदर लाई करेंगे ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेंगे ये, ठीक है ना। तो ये जो मेरा कार्टेशियन प्लेन है, ये जो ग्राफ है, मेरे तीनों पॉइंट कहां पर आएंगे? यहां पर आएंगे इस वाले में। अब जब मैं इसे प्लॉट करूंगा तो कैसे करूंगा ये देखो आप, ये सारे के सारे किस में आ रहे हैं? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं, क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले तो मैंने ये पता करा कि ये मेरे पॉइंट कहां पर आ रहे हैं, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। अब मैं ये ग्राफ में कैसे करूंगा इसे? आप लोग भी अपनी ग्राफ रेडी रखेंगे, ग्राफ और पेन वैन रेडी रखेंगे सारे बच्चे। अब ये देखिए मेरा ग्राफ पेपर है, ये जो आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, दिस इज माय ग्राफ पेपर। बिल्कुल किनारे से लाइन ड्रॉ करूंगा मैं ऐसे करके, सो दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज माय वाई एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन जीरो, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मैंने क्या करा, मैंने ज्यादा स्पेस किसको दिया? फर्स्ट क्वाड्रेंट को दिया, ठीक है ना। जैसे आपके पास बहुत बड़ा मकान है, आपका घर बहुत बड़ा है और आप अकेले हैं, आपका घर बहुत बड़ा है और आप बिल्कुल अकेले हैं, तो आप स्टोर रूम में जाके सोओगे या बड़े वाले रूम में जाकर सोओगे? तो जाहिर सी बात है कि मैं एडवाइस यही दूंगा कि आप बड़े रूम में सोएं। जब आप पूरा बड़ा घर है आपका, अकेले रह रहे हैं, ठीक है, तो फिर भी जाके आप छोटे वाले स्टोर रूम में सोएंगे क्या? बेवकूफ टाइप के नहीं है क्या? तो हमें स्पेस कहाँ चाहिए? यहाँ ज्यादा चाहिए। जहां स्पेस ज्यादा चाहिए उसको ज्यादा स्पेस दे दो। ये जो लाइने हैं ये हमारे हाथ में है, वी हैव टू एडजस्ट, समझ गए? नहीं तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को स्पेस ज्यादा देंगे, सेकंड थर्ड और फोर्थ को कम देंगे, राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा नहीं है कि स्टोर रूम में जाके सो जाओगे, तो यहां स्पेस ज्यादा चाहिए। अब इसे प्लॉट कैसे करेंगे? एक्स की वैल्यू ये वाली जो वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है ये वाली, ये एक्स है जो लेफ्ट साइड है, जीरो टू फोर। तो मैं यहाँ लिखूंगा जीरो, तो लिख दिया मैंने, यहाँ आ जाएगा दूर दूर लिखूंगा मैं टू और फोर, दूर दूर लिखना है, इक्वल दूरी में लिखना है, दूर दूर लिखना है, खुल के बनाना है आपका ग्राफ को, यूज करना है आपको, ठीक है ना। फिर यहाँ पर कितना है? थ्री टू वन। तो मैं यहाँ पर वन लिखूंगा, यहाँ पर टू लिखूंगा, यहाँ पर थ्री लिखूंगा, दूर दूर लिखना है। अभी आप ये ग्राफ बनाएंगे, मुझे व्हाट्सएप करेंगे, मैं चेक करूंगा, ठीक है ना, किसने बढ़िया बनाया। और इक्वल दूरी पर लेना है, इक्वल दूरी पर, और इसे प्लॉट करना है। अब जरा जल्दी से प्लॉट करके भेजो मुझे जरा, आई वांट टू सी योर ग्राफ, जल्दी से बनाओ इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, फिर मैं बताऊंगा कि किसने अच्छे से बनाया। डू इट फास्ट एंड सेंड मी राइट नाउ। Yes. अब आप मुझे इसे ग्राफ पर बनाकर भेजो, आई विल चेक
एंड विल गिव रिमार्क कि किसने बढ़िया बनाया, और जो बढ़िया बनाएगा उसको बेस्ट लिखूंगा मैं, जिसको बेस्ट लिखूंगा वो बढ़िया है, ओके का मतलब है ओके ओके है बस, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, जो सबसे बढ़िया बनाएगा उसको लिखूंगा बेस्ट, और जो ऐसे धक्का मार बनाएगा उसको लिखूंगा मैं ओके, और जो रॉन्ग है तो रॉन्ग है, ठीक है। तो आई नीड बेस्ट वन, बढ़िया से बनाओ, लाइनों को प्लॉट करो, जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दी थी उन्हें लाइन को ज्वाइन करो। लाइनों को ज्वाइन करने के लिए आप इंक पेन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो उसमें विजिबिलिटी चाहिए मुझे, कई बार लाइन दिखाई नहीं देती इमेज में। बनाओ और भेजो जरा मुझे, और जिनके पास ग्राफ खत्म हुआ है मंगा लो, 10-20 ग्राफ बुक का ऑर्डर दे दो आज, ऑनलाइन मंगा लो, अमेजोन पर और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है ये, ठीक है। मार्केट भी अब खुल गया है, आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं, और एक मत खरीदो बेटे, 20 खरीदो, 20। यस, आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स। जो भी बच्चा भेजेगा वो ऐसा भेजेगा कि बेस्ट लिखना पड़े मुझे, ये ध्यान रखना ना। और जब लाइन है पॉइंट्स आएंगे ये ऐसे करके आएंगे, ये जो भी पॉइंट्स आएंगे मुझे पता नहीं क्या आएंगे, ये तो मैंने ऐसे अंदाजे से बना दिया, आपका इसके अकॉर्डिंग आएगा, जो भी कुछ आएगा आपका ग्राफ ऐसे आएगा इधर की साइड से। ये मेरा गलत बना हुआ है, ये तो खाली डेमो पर्पस से है, ठीक है। धनश्री का आ गया, धनश्री इज क्वाइट फास्ट, धनश्री और बड़ा बनाओ, और बड़ा, ये बड़ा नहीं है, धनश्री इंक्रीज करो, लार्ज बनाओ, लार्ज, और बड़ा बनाना है, बेस्ट नहीं है ये। अरे ग्राफ इतनी कंफ्यूजी क्यों कर रही है, बड़ा ग्राफ यूज करो, लार्ज बनाओ, ये कंफ्यूजी कर रही है, ये भी यूज फुल ग्राफ, ये पढ़ाई में कंफ्यूजी नहीं करनी है बेटे, कंफ्यूजी करनी है तो किसी और चीज में करो। नहीं मना कर दिया मैंने, दूसरा सुनते ये गलत हो गया, लार्ज बनाओ, अभी मेरी आवाज नहीं आ रही आपको क्या, लार्ज बनाना है, लार्ज, अभी मैंने किसी को भी बेस्ट नहीं लिखा, यू आर नॉट लिसनिंग माई इंस्ट्रक्शन केयरफुली। ये है काम, देखो ये बढ़िया बनाया, ये जितेंद्र कुंडू का बेस्ट है, एकदम बढ़िया है, देखो बेस्ट वर्क, मैं आपको ग्रुप में डाल रहा हूं, देखो ये बेस्ट वर्क है, ग्रुप में शेयर कर रहा हूं मैं, देखो जरा, ग्रुप में गया चेक करो जरा, ये बिल्कुल बकवास है, ये लार्ज बनाना है, मैंने कहा ना आपको, मेरी इंस्ट्रक्शन नहीं सुन रहा है आपको, मैंने ग्रुप में डाल दिया बेस्ट वर्क क्या होता है, और बड़ा बनाओ इधर, और लार्ज बनाओ, ये और लार्ज, जो मैंने ग्रुप में सही आंसर डाला है उसको देखो कैसे बनाया है मैंने, फॉलो करो, ये भी लार्ज नहीं है, और लार्ज बना सकते थे, और लार्ज बनाओ, ये जितेंद्र कुंडू ने बिल्कुल सही इंस्ट्रक्शन फॉलो करी है, जो मैंने यहां पर एडवाइस दी है, ग्रुप में देखो मैंने कैसे बनाया हमने जितेंद्र ने, दूसरे बच्चों का भी देखकर हमें सीखने को मिलता है बेटा, वी आर लर्निंग फ्रॉम टीचर एज वेल एज अवर फ्रेंड्स, हम अपने दोस्तों से भी सीखते हैं।
यस सेंड मी सम मोर अगेन, दोबारा बनाओ जिन बच्चों का गलत हुआ है। धनश्री डू इट अगेन, मूलचंद दानी डू इट अगेन, ये जितने बच्चे ऑलरेडी भेज चुके हैं ये दोबारा भेजेंगे मुझे। ग्राफ को फुल्ली ऑक्यूपाई करना है, फुल्ली, जैसे स्टेज पर डांस होता है ना रियलिटी शो में, तो कोने में खड़े होकर डांस नहीं करते, भाग भाग के दौड़ दौड़ के डांस करते हैं, नहीं तो फिर इतना बड़ा स्टेज बनाने की क्या जरूरत है अगर वहीं पे खड़े खड़े छैया छैया करेंगे तो, ठीक है ना। जब इतना बड़ा ग्राफ दिया जा रहा है तो आप कोने में क्यों घुस गए, अब सही बनाइए। और ये डॉट इतनी मोटी मोटी क्यों लगा रही है भाई, ये लड़की कौन है, ये सिद्धि का गड़बड़ कर रही है, ये डॉट ऐसे लगानी है, ऐसे सर्कल बनाना है, ये डॉट लगाएंगे ऐसे, ये ऐसे ऐसे नहीं करना है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, एक डॉट लगानी है, डॉट लगा के एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करना है, दोबारा करो ये, डू इट अगेन। नो, ये दिमाग में घुस नहीं रहे उन लोगों के। ये लाइन डबल क्यों हो गई है, अगेन ये लाइन टेढ़ी हो गई, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया ये। ये 1 2 3 और बड़ा करो, वाई एक्सिस पर बड़ा करो इसको, ये 1 2 3 को भी बड़ा करो, और बड़ा करो उसे, और दूर दूर लो वैल्यूज को, जितना पॉसिबल है दूर दूर ले सकते हैं। जो पॉइंट्स हैं उनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराओ जरा सा, बहुत करीब करीब हो गए, दूर दूर करो उन्हें, एकदम तब आएगा बड़ा सा, मैंने आपको एक सैंपल डाला ना ग्रुप में, उसे देखो। और ये और बच्चे तो भेज ही नहीं रहे मुझे, ओनली फ्यू स्टूडेंट आर शेयरिंग देयर ग्राफ्स। धनश्री आपका नहीं आया, मैं वेट कर रहा हूँ धनश्री का। इमेज दोबारा भेजो, ये फुल सेंड, फुल इमेज सेंड अगेन, इमेज पूरी नहीं आई हो अच्छे से कीजिए उसका। हाँ ये सही है, 1 2 3 अब सही है, बेटर है, गुड, ये सही है, लेकिन ये भी गलत हो गया, 0 1 2 3 सही चल रहा है, 2 पर है और 4 पर है, ठीक है, ये तो सब बकवास है, ये आई डोंट वांट टू चेक, रॉन्ग हो गया है। जो विदाउट भेज रहे हैं वो मैं चेक भी करूंगा, आई वांट ओनली ऑन ग्राफ पेपर। जो बच्चे ये लाइनों वाइनों पर भेज रहे हैं, ये गरीबों वाला काम मत किया करो सामने, मुझे प्रॉपर वे में चाहिए, बिल्कुल एकदम ग्राफ के ऊपर। ऊपर 4 है, क्या कर दिया ये, 2.2 है, 4.1 है, ये रॉन्ग हो गया, ये 4.1 ये गलत हो रहा है, रॉन्ग हो गया है, पॉइंट गलत प्लॉट कर दिए ये सृष्टि एस वाले, आपने पॉइंट गलत कर दिए बेटा, पहले इधर इधर एक्स लेना है, ये 2 4 जो है इधर आना है, ये चेक करो उसे जरा।
सही है। ओके अब बच्चों का सही आने लगा, गुड बेटर है, बहुत बढ़िया। एकदम सही है। एकदम खुल के बनाना है एकदम, ठीक है ना। ये सही आया पाना भैया, बहुत ही बड़ा बना दिया एकदम शानदार। ओके गुड, बहुत शानदार एकदम बढ़िया। ये भी सही है, इतने इमेज अच्छी नहीं भेजी है, ब्लड हो रही है, अदरवाइज है सही है। गुड, 4 2/2 है। ओके ठीक है, ओके चलिए बहुत बढ़िया। I will give you one more, एक और दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। I will give you one more, एक और लेंगे। Now you have to use your brain, एक और मैं दे रहा हूं यहां पर। माइनस के 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10, ये अब लगाओ करो दिमाग। ये थोड़ा सा टाइट होगा, ये मुझे लग रहा है। माइनस के 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 10, ये वाला प्लॉट करके भेजो मुझे जरा। आप अपनी कोशिश करो कि कितना मैं मैक्सिमम बड़ा बना सकता हूं, जितना पॉसिबल है, ठीक है। हम ऐसा नहीं है कि लिमिट से बाहर निकल जाएंगे, जितना मैक्सिमम पॉसिबल है। ऑक्यूपाई फुल ग्राफ, इसको बनाकर मुझे अभी भेजो राइट नाउ। Now I want this one, ये वाला चाहिए मुझे। अरे ये पॉइंट गलत कर दिया माय डियर, वो तो मैंने अपना डेमो के लिए बनाया था, ये रॉन्ग हो गया सिद्धि का। पहले एक्स प्लॉट करना है फिर वाई करेंगे, प्लॉटिंग गलत हो गई है सिद्धि का। ये बड़ा कंफ्यूजी से बना रही है, नहीं ये रॉन्ग है, ओजस्वी का रॉन्ग हो गया है। ये बच्चों वाला बेवकूफों वाला मत बनाओ। मैंने क्या बोला आपको, एनलार्ज करो ग्रुप में, सही ग्राफ ले जाए ग्रुप में। आपके जो साथियों ने बनाया है उसको शेयर कराया, मैंने देखो उसको, दूसरे बच्चों का अवरोध करके भी हम सही कर सकते हैं अपना ग्राफ। अब ये वाला करना है, जो बच्चे ऑलरेडी जिनका मैंने गुड और बेस्ट लिखा है वो ये वाला करेंगे आप, और जिनका रॉन्ग आया है वो पुराना वाला भेजेंगे मुझे। और कुछ बच्चे तो इसीलिए नहीं भेज रहे कि उनके पास ग्राफ ही नहीं है, समझे नहीं। जब आपको पता चल रहा है कि टॉपिक हमारा ग्राफ वाला चल रहा है तो ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा क्या कि ग्राफ खरीदो। गुड, ये कौन बच्चा है एकदम सही कर रहा है। गुड, नाउ डू इट दिस वन।
some more. Now I want this one. Send me some more. Okay, Sakshi का आ गया. ये तो calculation आई है. बेटा मुझे अब calculation नहीं चाहिए. मुझे सीधा graph भेजो. क्योंकि calculation सही होगी तभी graph सही बनेगा. Send me right now graph. I don't want to see your calculation. Calculation तो आप कर ही सकते हैं. ठीक है ना, कैलकुलेशन की तो प्रैक्टिस कर ली आपने. नाउ आई वांट टू सी योर ग्राफ. लाइट आ रही है. मैं इक्वेशन दोबारा कर देता हूँ. हो सकता है कि मुझे लाइट पा गई है. यहाँ सही लिखेगा माइनस टू एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू टेन. ये अब सही दिखाई देगा बिल्कुल. माइनस टू एक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू टेन. भेजो जरा मुझे जल्दी से फटाफट. यस आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्स. Yes. Now I change the direction, so I can interact easily with everyone. Okay. Equation आपको बिल्कुल सही दिखाई दे रही है. ग्राफ भेजो मुझे. Yes. ये धनश्री बहुत तेज करती है. Okay. ठीक है, गुड. धनश्री सही चल रही है. पढ़ाएंगे एकदम बढ़िया कर रही है. गुड धनश्री. ये शंभवी का नहीं आ रहा. शंभवी मेरे शंभवी इसके यहां दर्शन नहीं हो रहा है. सही. यस धनश्री इज डूइंग क्वाइट फास्ट. बेटा दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसलिए आपने देखा होगा ये कई दिन से टॉपिक चल रहा है हमारा. ये सेम टॉपिक फिर हमें टेंथ में जरूरत पड़ेगी. अगर यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो फिर टेंथ में प्रॉब्लम आएगी. मैं वेट कर रहा हूँ आपके रेस्पॉन्स का. सम स्टूडेंट आर डूइंग रियली वेरी गुड. और कुछ बच्चों का तो ग्राफ ही खत्म हो गया मुझे मालूम है. दिव्यांका का ग्राफ नहीं आ रहा मुझे. दिव्यांका कहाँ गड़बड़ कर रही है. दिव्यांका प्रतिभा पांडे कार्तिके वेर आर यू. और शुभम का भी कोई रेस्पॉन्स नहीं है आज. शुभम वेर आर यू. शुभम दिखाई नहीं दे रहा मुझे.
ओके माइंड करीब करीब अदर स्टूडेंट्स जिनका मैं गुड लिख रहा हूं इसका मतलब ये ठीक है वो एकदम बढ़िया है. सम मोर ओके ये गलत हो गया बेटा ये रॉन्ग हो गया. एक और बच्चा है जितेन कुंदू ने रॉन्ग कर दिया इस बार रॉन्ग हो गया ये. कैलकुलेशन नहीं देखनी मुझे वो चाहिए ग्राफ चाहिए. कार्तिकेगा नहीं आ रहा मेरे पास अभी. ग्राफ भेजो मुझे अपना बेटा. और ये मोहिनी का भी नहीं आने का. ये मोहिनी क्या कर रही है भूमिका. मैं बेटा यहाँ वेट कर रहा हूँ ये आप लोगों का रेस्पॉन्स आ रहा है मेरे पास. ओजस्वी का आ गया मेरे पास. ओजस्वी ने गलत कर दिया ये. नहीं नहीं ओजस्वी ने प्लॉटिंग गलत कर दी ये रॉन्ग हो गया. ओजस्वी आपने प्लॉटिंग गलत कर दी बेटा ये. ओजस्वी डू इट केयरफुली. ये कोई फुटबॉल नहीं खेल रहा है कि कहीं पर भी किक मार दी. ये आर रहे दबासे का भी ठीक है एकदम बढ़िया है. ये लाइन टेढ़ी क्यों जा रही है ये आर रहे दबासे. ये लाइन टेढ़ी आ रही है आपकी ये रॉन्ग हो गया. योर लाइन शुड बी स्ट्रेट. अरे शंभवी का बहुत देर में आया है. शंभवी क्या कर रही थी ये मुझे लग रहा है नाश्ता करने में बिजी थी ये. ओके एनी अदर. ये कार्तिकेय का नहीं आया अभी मेरे पास और आज शुभम भी मुझे लग रहा है एब्सेंट है. ये कौन सा वाला बना दिया बेटा. पुराना दिखा रही है क्या. ये कौन सा दिखा रहा है पुराना है. नहीं 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 प्लॉटिंग ये गलत कर रही है रॉन्ग हो रहा है. ये सिद्धि का गड़बड़ कर रही है आज. ये रॉन्ग हो रहा है बेटा आज तुम्हारा. ओके Any other student? अभी भी 20% बच्चों का गलत आ रहा है बेटा. अभी मिस्टेक आ रही है. 80% बच्चे सही कर रहा है. ये भूमिका का नहीं आया मेरे पास. पूजा ने नहीं भेजा. ये एक रे का भी नहीं आया.
और ये हीरक तिवारी का मुझे लग रहा है ग्राफ खत्म हो गया है, और चैतन्य का भी नहीं आया, मोहिनी ने भी नहीं भेजा, और सारा लतारे का भी नहीं आया। सारा मेरी सारा, ये राइट है, एकदम गुड है, बहुत बढ़िया। ये मुझे लग रहा है बच्चों के बाद ग्राफ खत्म हो गए, कंजूसी में लगे हुए हैं। आज ही ऑर्डर करो बेटा, ऑनलाइन मंगा लो 20 ग्राफ को। ये वीडियो दिखाओ अपने पेरेंट्स को मेरी, और बोलो उनको सर ने कहा कि 20 ग्राफ बुक्स चाहिए हमें। ये कौन है भाई, ये गड़बड़ कर रहा है, ये गड़बड़, ये रॉन्ग हो गया, ओजस्वी का रॉन्ग हो रहा है। Any other student? और कौन है ये? ये नीतीश शाह तो मुझे लग रहा है बस खाली ये कॉमेडी नाइट विद कपिल देखने आ जाते हैं, तो इतने बस जैसे वो कपिल शर्मा का शो चल रहा है अटेंड कर लेते हैं। नीतीश शाह से यस, ये नीतीश शाह तो अपने आप को चीफ मिनिस्टर समझ रहा है मुझे लग रहा है। अरे नीतीश शाह एक बार यस करो मुझे, नीतीश शाह ये दो बच्चे खटाखट भेज रहे हैं मुझे, एकदम सही आ रहा है आंसर इनका, गुड। बस ये लास्ट हो रहा है बेटा, ये टाइम हमारा पूरा हो गया, ये दूसरी क्लास का टाइम शुरू हो रहा है। एंड गिविंग लास्ट 30 सेकेंड ओनली। ये क्या कर दिया गड़बड़, नहीं गलत हो रहा बेटा, ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। आई एम गिविंग यू लास्ट 30 सेकेंड्स। ये पॉइंट पता नहीं कहां से आ रहा है, ये लाइनें भी टेढ़ी मेढ़ी आ रही है, पॉइंट सही नहीं आ रहा है, नो रॉन्ग है, ये रॉन्ग हो गया है। ओके सम और, नहीं नहीं कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं, रॉन्ग हो गए, ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बाकी बच्चे मुझे बाद में भेजेंगे मुझे ये सारे, आई विल गिव यू सम मोर क्वेश्चन टुडे। ओके मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ मेरे बेस्ट वाला, ठीक है, जो बेस्ट वाला है उसे मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ अभी, वेट, जो किसी बच्चे ने जो बहुत बढ़िया बनाया है आई विल शेयर, डोंट वरी। ये शंभवी का भी सही है, ये डाल देता हूँ मैं, नाइन्थ, ओके ग्रुप में चला गया बेटा, देखो जरा चेक करो, एनी अदर, ओके ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ये मुझे कंटिन्यू करेंगे, भेजेंगे आप लोगों को, दूसरी क्लास का टाइम शुरू हो जाएगा आप लोगों का, सो थैंक यू वंस अगेन। और जिन बच्चों का क्लास ग्राफ खत्म हो गया है वो मार्केट से खरीदो, ऑनलाइन लाओ, जो भी कुछ करो, प्लीज मैनेज एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, और अच्छे से ग्राफ बना के भेजना है। और आप भी पूरी कोशिश करो कि हाउ टू ऑक्यूपाई फुल स्पेस, जो आपको पूरा इतना बड़ा ग्राफ दिया जा रहा है उसको कैसे ऑक्यूपाई करें, ठीक है, और फिर बनाकर भेजना है मुझे।